नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्ज्वल झा मौजूद हैं उस गली में जिस गली में लाखों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलियां भी मायूस हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्स की, जो कि राजू शरिया का दूसरा उर्स इस बार होने का था। 28 तारीख तारीख भी मुकर्रर करी गई थी, लेकिन इस बार उर्स होगा ऑनलाइन। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुकानदारों के ऊपर किस तरीके का असर पड़ेगा। जी हाँ, अगर ऑनलाइन सब कुछ होगा तो ये दुकानदार जो बैठे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं कि हम दुकानों के हालात दिखाना चाहेंगे और इस गलियों की हालात दिखाना चाहेंगे, जिस गलियों में जी हाँ इस टाइम में लाखों जायरीन पहुंच चुके होते थे। भीड़ इस कदर होती थी कि एक साइकिल तो क्या, एक पैदल आदमी भी बहुत देर में अपने मुकाम तक पहुंचता था, इस दरगाह तक पहुंचता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना वायरस ने उसे भी ख़त्म कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जायरीन जब नहीं पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार भी कहीं ना कहीं मायूस बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा असर जो इस बार पड़ने का है वो इन दुकानदारों के ऊपर पड़ेगा, जो कि बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि उर्स होगा तो कुछ दुकानदारी होगी। यूँ तो लॉकडाउन ने मारा ही था, लेकिन ऑनलाइन उर्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर मायूसी ही मायूसी नज़र आ रही है। जो खुशियां थी वो कहीं ना कहीं फिर से मायूसी में बदल गई। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नवेद हाशमी। नवेद हाशमी। नवेद भाई, ये बताइए, इस पर उर्स ऑनलाइन हो गया, कारोबार पे क्या असर पड़ेगा इसका? ऑनलाइन हो गया था, जो उम्मीद बांधे रखे थे वो उम्मीद सब खत्म हो गई, और जब ऑनलाइन हो गया तो कोई पब्लिक वगैरह तो आएगी नहीं। कारोबार तो लॉकडाउन में ख़त्म ही हो गया था और भी फिलहाल अब डूबता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस तो सर लॉकडाउन से ही ख़त्म हो चुका था, और जो एक हमारी उम्मीद थी उर्स की, वो भी यहाँ पे दरगाह के जो मेन जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन होगा, तो उससे और हम लोगों को जो है और इस चीज़ में जो है लॉकडाउन में सहयोग हो गया, और बिजनेस तो सर ख़त्म ही हो चुका है। जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। अब जो भी होगा लॉकडाउन के बाद, जब तक माहौल सही नहीं होता, जब तक ये कोरोना की बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक जो है सर हमारे बिजनेस पे तो बहुत फ़र्क रहा ही है, और आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही रहेगा। अब जब तक सही नहीं हो जाता, जब तक तो हम कोई उम्मीद लगाना हमारे लिए बेकार ही है। कारोबार एक तरीके से लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो गया है, और आने वाले मेहमान जिनके ऊपर सारा डिपेंड था कारोबार, वो सब बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म ही हो गया। उनका आना होगा नहीं, सब लोग अपने घरों पर ही उस मनाएंगे ऑनलाइन। कारोबार तो हर जगह का ही सब ठप पड़ा हुआ है। जो हम लोग की तैयारियाँ होती थी उर्सों की, सामान वगैरह पहले हम लोग एक दो महीने पहले मंगाते थे उर्सों के लिए, लेकिन अब तो वो आ भी नहीं पाएगा। इससे है काफ़ी नुकसान है दुकानदारों का, क्या कहते हैं, देश के हालात ही ऐसे हैं, इसे सबको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा।